मारिए उड़िएगा क्या हम लोग को सर? अजय भाई आपसे क्या मारेंगे भाई, क्या है तो इतना गुस्सा के क्या, इतना फ्रस्ट्रेशन में क्या, काम का ज़्यादा बोझ है क्या? श्री परमानंद पंडित प्रखंड विकास पदाधिकारी फतेहपुर, थोड़ा दिखा देंगे इधर से, इसी मतलब अंदर जाना नहीं है नहीं तो मुकदमा हो जाएगा। साहब नहीं है, बी डी ओ साहब आए हैं क्या? बी डी ओ साहब आए हैं क्या? बी डी ओ साहब फील्ड में गए हैं सर, तो इतना गुस्सा के क्या है बोल रहे हैं सर? इधर आ जाइए थोड़ा, इधर आइए, हम अभी पूछ रहे हैं कि बी डी ओ साहब कहाँ हैं, तो आप इतने गुस्सा के बोल रहे हैं फील्ड में गए हैं? नहीं ऐसे तो बात नहीं है, हम तो फील्ड में गए हैं, फील्ड में तो गए हैं, मतलब क्या मारिए उड़िएगा क्या हम लोग को सर? अजय भाई आपसे क्या मारेंगे भाई, क्या है तो इतना गुस्सा के क्या, इतना फ्रस्ट्रेशन में क्या, काम का ज़्यादा बोझ है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो नॉर्मल तरीके से बात कीजिए, मतलब आम जनता आएगा तो उसको गुस्सा को ऐसे भगा दीजिएगा? कुछ बात नहीं है भाई, अभी माइक देखे तो आपका आवाज़ जो है नॉर्मल हो गया। ना ना ऐसी कोई बात, क्या करते हैं, क्या नाम है आपका, नाम क्या है आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार हुआ। क्या करते हैं आप? हम प्रधान सहायक हैं, प्रभारी प्रधान सहायक। इतने अच्छे मतलब काम करने वाले हैं, इतने अच्छे सूट बूट पहने, इतने संस्कारी लगते हैं और बात करते हैं ऐसे एकदम जैसे बहुत बड़े क्रिमिनल हैं आप। अच्छा बताइए तो आप क्रिमिनल बना रखे हैं हम तो सर, आप ऐसे कैसे बोल दे फील्ड में गए हैं? ऐसा हम बोल रहे हैं, बताइए आप मीडिया इतने नॉर्मल तरीके से अगर बोलते हैं। ऐसा है नहीं कि बस बोलते देह में गर्म हो जाता है, हो जाता है ना, जब हार जाइएगा तब जो है ऐसे शांति हो जाएंगी। तभी शांति हो गया का? शांति तो हो ही गए हैं। आपसे भी अड़े हैं का? नहीं हम तो ऐसा नहीं कभी किया है, बिल्कुल शौचालय नहीं है, आप देख सकते हैं। पुरुष वाला तो खैर पुरुष का इज्जत ही ले लिया है, दरवाजा नहीं है, महिला की इज्जत बच रहा है, इज्जत बच रहा है, लेकिन नहीं पानी है और ना ही इसको यूज किया जा सकता है। प्रखंड मुख्यालय में है और यहाँ से जब विकास निकलता है तो पूरे गाँव की ओर जाता है, लेकिन जहाँ विकास का निर्माण हो वहीं भ्रष्टाचार हो जाए तो गांव और ग्राम का विकास क्या होगा। चलिए हम ले चलते हैं आपको, सामने दो शौचालय दिख रहा है, पुरुष शौचालय महिला शौचालय। पुरुष शौचालय से दरवाज़ा उखाड़ कर पता नहीं कौन ले गया, क्योंकि पुरुषों का कोई इज्जत नहीं है यही दिखाया जा रहा है। हालांकि महिला का जो शौचालय बना हुआ है वो दरवाज़ा वहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन देखिए एक महिला जाने का प्रयास कर रही है, खुल गया। देखिए ये स्थिति है शौचालय का, स्थिति ये देखिए, ये कबाड़ा बन चुका है और यहाँ पर शौचालय क्या, यहाँ पर तो कोई खड़ा भी नहीं हो सकता है और इतना ख़राब है कि कुछ कहा नहीं सकता है। अच्छा पहले ये बताइए, इस प्रखंड कार्यालय में आप रात भर धरना प्रदर्शन कर रही थी, वैसा शौच जाने का जरूरत हुआ तो क्या करें आप? खुले में गए, खुले में गए, बहुत लोग देखे भी कि तो, मैडम शौच जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि शौच बनाइए इज्जत बचाइए, क्या प्रखंड मुख्यालय में क्या शौचालय नहीं है क्या? बिल्कुल शौचालय नहीं है, आप देख सकते हैं। पुरुष वाला तो खैर पुरुष का इज्जत ही ले लिया है, दरवाजा नहीं है, महिला की इज्जत बच रहा है, इज्जत बच रहा है, लेकिन नहीं पानी है और ना ही इसको यूज किया जा सकता है। तो परिस्थिति इतनी खराब है और हम तो बी डी ओ साहब से, मेरे तरफ से आप सवाल करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो आप हमें बुला भी लेंगे। अगर महिलाएं इसमें अधिकांशतः हम तो देख रहे हैं कल से ही कि पुरुष से ज्यादा महिला आ रही है, अनाज को लेने के लिए भी अनाज भी प्रॉपर मात्रा में उपलब्ध नहीं है। कितनी महिलाएं कह रही है कि बृहस्पतिवार से एक सप्ताह से घूम करके जा रही है, कोई अनाज नहीं दिया जा रहा है, अनाज में भी कमी है और शौचालय की परिस्थिति इतनी बेकार है कि समझ में नहीं आता है। भारत सरकार का जो एक स्वच्छता को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा है और बिल्कुल वो उन्होंने उनका कहना भी सही है कि स्वच्छ भारत होना चाहिए, लेकिन बोध गया विधानसभा का फतेहपुर हम लोग का बहुत बड़ा मुख्यालय है, टनकुप्पा से बड़ा है हमारा फतेहपुर मुख्यालय, और इस मुख्यालय में शौचालय ना हो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और महिलाएं किस प्रकार से आती जाती होगी, बीमारी इतना बढ़ रहा है, कहा जाता है डॉक्टरों के हिसाब से कि ज़्यादा देर मल या मूत्र अपने पेट में नहीं रखना चाहिए, उससे बीमारी होती है। तो एक प्रकार से हम लोग जो बर्दाश्त करते हैं तो एक अपने आप में जान का भी खतरा बन रहा है, और कहीं पर खुले में जाते हैं तो बीमारी भी और कुछ लोग देख के हंसते हैं भी, तो एक इज्जत प्रतिष्ठा भी जा रही है, बीमारी भी हो रही है। हम समझते हैं कि इसके बारे में बी डी ओ साहब बेहतर बताएंगे। बताइए कि आखिर ये शौचालय क्यों बनाया गया था, क्या इसको बनाकर पैसे की निकासी कर ली गई, ना यहाँ पे पानी की व्यवस्था है ना कुछ है? कहते हैं कि इसको बनाने में हमको नहीं लगता है कि 20,000 रुपया से ज्यादा पड़ा होगा, अब 20,000 पैसा तो 17,000 पास हो गया होगा, अब प्राकलन भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और है। कौन बनाए है, लूट इसमें है। हम तो कहते पूरे पूरा ब्लॉक में अनियमितता से ज्यादा भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट ब्लॉक में जितना प्रकाष्ठा है एक भ्रष्टाचार का उसका सीमा पार कर चुका। अच्छा ब्लॉक का अधिकारी बी डी ओ साहब होते हैं, मतलब उनके कार्य से कैसे, मतलब क्या खुश हैं आप उनके कार्य से? हम तो इस कार्य से इसलिए खुश नहीं है कि सबसे पहले महिला है तो हम शौच देखेंगे, शौचालय ही यहाँ नहीं है। दूसरी बात की रात में जब हम यहाँ उपस्थित
उपस्थित थे तो लाइट का सुविधा नहीं था। और हमें पता है कि बीडीओ साहब को सूचना है, चूँकि मेरे पास जो लेटर है एसडीओ साहब का उसमें बीडीओ साहब का नाम वर्णित है और उनके फैक्स पे आया होगा या व्हाट्सएप पे क्या आया हमको नहीं पता है। आप जो धरना प्रदर्शन कर रही थी उनको सूचना है कि आप यहाँ पे बैठी? बिल्कुल बिल्कुल सूचना है, चूँकि जब एसडीओ के लेटर में लिखा होता है एसडीओ बड़े पदाधिकारी होते हैं। मिलने आपसे आए कि नहीं बीडीओ साहब? बीडीओ साहब भी मिलने ना आए, एसडीओ साहब भी मिलने नहीं आए हमसे। और रात में जब यहाँ थे तो लाइट की भी एक व्यवस्था नहीं की, कितनी बड़ा दुर्भाग्य है, जबकि जनप्रतिनिधियों का लगातार हत्या किया जा रहा है, हर जगह सुनने को मिल रहा है। और उससे भी बड़ी बात है कि अपनी एक जो अस्मिता है, इज्जत है, उसको बचाना अनिवार्य है। जान चला जाए कोई बात नहीं, इज्जत नहीं जानी चाहिए। ना ही लाइट का व्यवस्था, ना ही और किसी चीज़ का व्यवस्था, तो फतेहपुर प्रखंड का ये जो मुख्यालय है इसे किस कगार पर इन लोग लेकर के जा रहे हैं हमें खुद समझ में नहीं आ पा रहा। चलिए इसको लेकर जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में जाना होगा और जाकर उनसे सवाल करते हैं कि आखिर ऐसी समस्या क्यों है, प्रखंड मुख्यालय में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, ये तो काफ़ी बर्दाश्त करने की बाहर की बात है। चलिए स्टार्ट है। चलिए, प्रखंड मुख्यालय में शौचालय नहीं है, शौच लगेगा तो कहाँ जाइएगा जी? खेत में? नहीं, खेत में कैसे जाए, कहाँ शौच बना हुआ है? बना हुआ तो नहीं है। नहीं है तो ऐसे हाथ मोड़ के रहिएगा खड़िया, फटिए, आ जाइए, वीडियो साहब से बात करने का प्रयास किया जाएगा, क्या कर रहे हैं वो देखा जाएगा। श्री परमानंद पंडित प्रखंड विकास पदाधिकारी फतेहपुर, थोड़ा दिखा देंगे इधर से, इसी मतलब अंदर जाना नहीं है नहीं तो मुकदमा हो जाएगा। साहब नहीं है, वीडियो साहब आए हैं क्या? वीडियो साहब आए हैं क्या? वीडियो साहब फील्ड में गए हैं, तो इतना गुस्सा के काहे बोल रहे हैं सर? इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आइए, हम अभी पूछ रहे हैं कि वीडियो साहब कहाँ हैं, तो आप इतने गुस्सा के बोल रहे हैं फील्ड में गए हैं? नहीं ऐसा तो बात नहीं है, हम तो फील्ड में गए हैं, फील्ड में तो गए हैं। मतलब क्या मारिए उड़िएगा क्या हम लोग को सर? जब है आपसे क्या मारेंगे भाई, क्या है तो इतना गुस्सा के क्या, इतना फ्रस्ट्रेशन में क्या, काम का ज़्यादा बोझ है क्या? ना ऐसी कोई बात नहीं है, तो नॉर्मल तरीके से बात कीजिए, मतलब आम जनता आएगा तो उसको गुस्सा को ऐसे भगा दीजिएगा? कुछ बात नहीं है भाई, अभी माइक देखे तो आपका आवाज़ जो है नॉर्मल हो गया। ना ना ऐसी कोई बात, क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार हुआ। क्या करते हैं आप? हम प्रधान सहायक हैं, प्रभारी प्रधान सहायक। इतने अच्छे मतलब काम करने वाले हैं, इतने अच्छे सूट बूट पहने, इतने संस्कारी लगते हैं और बात करते हैं ऐसे एकदम जैसे बहुत बड़े क्रिमिनल हैं आप। अच्छा बताइए, तो आप क्रिमिनल बना रखे हैं हम तो सर, आप ऐसे कैसे बोल दे फील्ड में गए हैं? ऐसा हम बोल रहे हैं, बताइए आप मीडिया इतने नॉर्मल तरीके से अगर बोलते हैं कि बस बोलते देह में गर्म हो जाता है, आदमी हो जाता है ना गर्म, जब हार जाइएगा तब जो है ऐसे शांति हो जाएंगे। तभी शांति हो गया का? शांति तो हो ही गए हैं। आपसे भी अड़े हैं का? नहीं, हम तो ऐसा नहीं कभी किया है, लेकिन देखते हैं आते जाते तो एकदम जनता के लिए काम करते हैं सर, एकदम निष्पक्ष तरीके से, प्लीज एकदम प्यार से मोहब्बत से, ठीक है? ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है सर, हम लोग जनता के लिए बीच में जिंदा काम करना है, ऐसा गलत। घर में कैसे अपनी पत्नी से बात करते हैं उसी तरह से? ठीक है, चलिए तो कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत हो जाता है, वीडियो साहब फील्ड में गए हैं वो है नहीं, लेकिन सवाल होगा कि आखिर इस प्रखंड मुख्यालय में कहीं शौचालय की व्यवस्था क्यों नहीं है, अगर है तो हमको चल के दिखा दीजिए कि कितना अच्छा बना हुआ है। चूँकि जिला परिषद श्वेता यादव ने यह सवाल खड़ा किया है कि यहाँ शौचालय नहीं है, रात में हमको दिक्कत हुई, जहाँ भी गए गंदा था और हमको फील्ड में शौच करना पड़ा। ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक महिला नेत्री जो काफ़ी लोगों के लिए सक्रिय रहती है, उनके लिए आवाज़ उठाती है, और उनको ही अगर फील्ड में जाना पड़े, खेत में जाना पड़े, तो कितनी शर्मिंदगी की बात है। नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय के लिए इतना पैसा खर्च किया और लगता है कि ब्लॉके में पैसा देना वो भूल गए, तभी तो शौचालय नहीं बन पाया। चलिए इस बारे में प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया जाएगा, अभी तो ऑफिस में आया नहीं मिले हैं, अगर नहीं मिलेंगे तो वीडियो चलाया जाएगा, अगर जवाब देना होगा तो मुझे बुलाकर वो जवाब दे देंगे। धन्यवाद।